आज का लेसन जो है ये यूनिट 7 का एक्सप्लोरिंग पोएट्री का एक पोम मैंने चूज किया है, विच इज गार्गी साइलेंस, रिटन बाय रुक्मिणी भया नायर. इनका नाम है रुक्मिणी भया नायर, जो कि आईआईटी दिल्ली की एक प्रोफेसर है. इन्होंने एक कविता लिखी है गार्गी साइलेंस, और ये आपके सिलेबस में यूनिट 7 में है. तो हम लोग डायरेक्टली पोएम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि गार्गी कौन थी. कि जो एक और सेज है यज्ञवल्क्य, इनका नाम थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में थोड़ा अलग से लिखते हैं, यज्ञवल्क्य. ये कौन है थोड़ा ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी गेट इन टू द पोएम प्रॉपर. सो उपनिषद में एक कहानी मान लो लिखी है गार्गी और यज्ञवल्क्य के बारे में. तो हुआ ये था कि राजा जनक ने एक बार राजसूय यज्ञ ऑर्गेनाइज किया, और उसमें सभी सेजेस को, सभी फिलोसोफर्स को, फिलोसोफर्स को बुलाया और उनको बोला कि आप आइए हमारे साथ बैठ के फिलोसॉफिकल डिबेट कीजिए और डिस्कस कीजिए. तो फिर उसने सोचा कि यहाँ पर मैं इनको बोलता हूँ, ये राजा जनक की बात हो रही है, राजा जनक ने सोचा कि यहाँ पर मैं इनको बोलता हूँ कि आप में से जो भी सबसे ज्यादा विद्वान है, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, उसको मैं 1,000 काउज की भेंट दूंगा. काउ माने गाय. उनको मैं ये गिफ्ट दूंगा. तो अब जितने भी सेज थे वो कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें. अब हम लोग डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि हम सबसे नॉलेजेबल हैं, ये कौन डिसाइड करेगा. तो उतनी देर में ये जो सेज हैं यज्ञवल्क्य, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को, डिसाइपल्स को बोला कि चलो चलो उठो, गाय वगैरह बांधो और लेके चलो. तो उन्होंने एक तरीके से विक्ट्री मान ली कि हाँ मैं जीत गया, यहाँ पे मैं सबसे नॉलेजेबल हूँ. तो बाकी सेज ने प्रोटेस्ट किया कि ऐसे कैसे आप सबसे नॉलेजेबल हैं, वी डोंट नो दैट, वी कैन नॉट कंफर्म दैट, सो यू विल हैव टू, हमारे जो टेस्ट होंगे कुछ उस पर आपको खरा उतरना होगा. तो जितने भी सेज थे, सेज माने फिलोसोफर्स, जो फिलोसोफर्स हैं, सेंट्स हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, उन्होंने एक टेस्ट रखा और उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे. तो यज्ञवल्क्य जो थे, इन्होंने सबके आंसर्स दिए, जितने भी यहाँ पे सेंट्स थे उनके सारे क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर्स दिए. वहां पे एक फीमेल सेंट भी थी, एक फीमेल सेज भी थी, उनका नाम था गार्गी. शी वॉज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल. तो उन्होंने भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछे. उन्होंने पूछा कि दुनिया कैसे बनी है, दुनिया को कैसे किसने पिरोहा है, आकाश कहाँ है. तो वो क्वेश्चन करती गई. जैसे ही उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, दूसरी साइड से यज्ञवल्क्य ऋषि का खुद का आंसर आया. उन्होंने उसी में से तीसरा क्वेश्चन बना दिया, फिर उसी में से चौथा क्वेश्चन बना दिया. तो एक तरीके का डिबेट शुरू हो गया. और क्वेश्चन थे मेटाफिजिकल, यानी कि ब्रह्मांड क्या है, अर्थ क्या है, सोल क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किए. और यज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उन्होंने आंसर करने की कोशिश की. व्हाट हैपेंस इन द एंड इज कि उनके क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते. उनकी क्यूरियोसिटी मान लो या उनका डिबेट करने का जज्बा मान लो, क्वेश्चंस नहीं खत्म हो रहे थे. एंड शी वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिफीटिंग सेज यज्ञवल्क्य. सो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गार्गी इतने सवाल मत पूछो, योर ब्रेन विल बर्स्ट, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में उतनी शक्ति है नहीं कि तुम मेरे इतने सारे तथ्यों को सुन पाओ, इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स को समझ पाओ, राइट. सो यहाँ पर गार्गी ने अपनी एक तरीके से हार मानी और कहा, Venerable Brahmins, you may consider it a great thing if you get off bowing before him. No one, I believe, will defeat him in any argument. तो वो कहती है कि इस सभा में जितने भी Brahmins हैं, जितने भी learned men हैं, या जितने भी knowledgeable men हैं, आप सब अगर इनके सामने अपना सर भी झुका लेंगे ना, वो ये बहुत बड़ी बात होगी. इनका level जो है knowledge का, वो तो आप match कर ही नहीं सकते, राइट. क्योंकि ये किसी आर्ग्यूमेंट में डिफीट ही नहीं हो सकते. सो इन अ वे उसने अपनी डिफीट मानी, और यज्ञवल्क्य जी जो हैं, ये जो ऋषि हैं, इनकी विक्ट्री मानी. दिस इज द एंटायर बैकग्राउंड कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था. आई होप ये क्लियर है, आई होप दिस मेक्स सेंस.